बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी यासिम राजा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो जी, इस वक्त यहाँ पे सुबह के 6 बज रहे हैं और थोड़ी थोड़ी ठंड भी लग रही है। पंजाब है, आप लोग ये देख सकते हो यार, व्यू देख लो, बड़ा अच्छा लग रहा है। धुंध धुंध सी आई हुई, सही है। मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, सोचा कि मॉर्निंग वॉक पे चले जाता हूँ, नींद तो आ नहीं रही, तो अभी चलते हैं मॉर्निंग वॉक पर। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, आप लोग को भी लेके जा रहा हूँ। चलते चलते कुछ ज़्यादा ही दूर निकल गए। तो भाई, आज जो है मैं गांव की दूसरी तरफ आया हूँ। इस तरफ इससे पहले मैं नहीं आया हुआ, आप लोग को मतलब नहीं दिखाया। मैं तो आया हूँ लेकिन आप लोग को नहीं दिखाया। तो ये देख लो भी। ये है जी हमारा गांव, यहाँ से स्टार्ट होता और ये जो घर नज़र आ रहे हैं ये भी हमारे गांव में ही आते हैं और इसके पीछे भी थोड़ा सा और। यार सब छोड़ो, यहाँ पे इतना सुकून मिल रहा है ना इस वक्त, मैं आप लोग को बता नहीं सकता। मॉर्निंग में मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे निकला हूँ और अभी जो है तकरीबन सारे सो रहे थे। मैं अकेला घर से उठा, पता नहीं क्या सूझी, बाहर निकला है मॉर्निंग वॉक के लिए। तो बहुत सुकून मिल रहा है और अभी थोड़ी देर के लिए मैं चुप हो रहा हूँ। आप लोग खाली चेक करो शहर में कितना साउंड होता है ना, शोर शराबा ये वो। यहाँ देखो बिल्कुल सन्नाटा, ना बंदा ना बंदे की ज़ात, चेक करो। देख रहे हो बिल्कुल सन्नाटा है और अब चलते हैं थोड़ा आगे। अच्छा, मॉर्निंग में आए हुए ही हैं तो एक और चीज़ चेक कर लें, वाइड एंगल। इस मोबाइल में भाई अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन है, तो है वही पुराना मोबाइल ही लेकिन ऑप्शन है तो उसको चेक कर लो, उससे मैं वीडियो नहीं बनाता। तो अभी ये एंगल देख लो, ये नॉर्मल इसके मेन कैमरा का है और अब अल्ट्रा वाइड चेक करो। हाँ भाई, अब देखो उतने पे ही हाथ रखा हुआ है लेकिन चेक करो सराउंडिंग जो है कुछ ज़्यादा आ रही होगी। तो ये मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, मतलब ये असल में जो है 8 मेगापिक्सल पे जो है वाइड एंगल है, इसलिए मैं वाइड एंगल यूज़ नहीं करता। अब आप लोग मुझे ये भी बताओ, अगर ये वाइड एंगल अच्छा आ रहा है तो फिर मैं आइंदा से जो है इस पर वीडियो बना लिया करूँगा। बाकी अब जो आप देख रहे हो ये 48 मेगापिक्सल से, ये इसका मेन सेंसर है और इंशाल्लाह जब मोबाइल दूसरा आ जाएगा तो तो वारे नवारे। उम्मीद है भाई आपको, जहाँ तक मुझे ख्याल है आप लोग को भी ये वाइड एंगल अच्छा लग रहा होगा। बाकी यार अब से जब तक नया मोबाइल नहीं आता तो मैं ये वाइड एंगल यूज़ करूँगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पर्सनली एक्सपीरियंस देख के। बाकी जो मैं नया मोबाइल ले रहा हूँ यार उसमें वाइड एंगल नहीं होगा, उसमें आपको उसी मेन कैमरे से काम चलाना पड़ेगा। क्या करूँ, अल्लाह माफ़ कर, बहुत मनुष्य लग रहा हूँ, मत करो। आज इंशाल्लाह जो है मैं जाऊँगा मार्केट चेक करने। हसन भाई भी आएंगे हमारे, जो लास्ट वीक मुझसे मिले थे कराची वाले दोस्त, वो अभी तक कराची यहीं घूम रहे हैं, कराची जाने का दिल नहीं कर रहा उनका, तो वो भी आएंगे, उससे भी मिलूँगा। लेट्स सी, अभी चलते हैं घर और फिर घंटे दो घंटे बाद जो है चलेंगे मार्केट। ये व्हाट्सएप के भाई मिस्त्री आ चुके हैं मुन्नी भाई वाले, और ये पेंटर हैं हमारे शरद भाई, दो जो पेंट के ड्रम हैं ये चेंज करवाने हैं। तो अभी अब्बू और ये खुद साथ भाई, अब्बू लोग जो है चले गए हैं पेंट लेने, मुझे भी जाना है उनके साथ, तो मैं जाऊंगा बाइक पे, बाइक खड़ी हुई है। लेकिन इससे पहले जो है ये हमारे मुन्नी भाई को चाहिए सीमेंट, तो पहले मैं इनको सीमेंट ला दूंगा। और क्या लाना है? सीमेंट और समोसे। सीमेंट और समोसे, एक तो
पति क्यों चाय भी नहीं? भाई खाने पीने के ये बहुत आगे हैं और काम करने में सोचते हैं, इनको हमने बोला है यहाँ प्लास्टर कर दो। काम बहुत अच्छा करते हैं, काम बहुत अच्छा करते हैं। भाई मुन्नी भाई लोग के लिए समोसे भी ले लिए। तो भाई ये देखो सिमट ले आया हूँ और मुन्नी भाई के लिए समोसे भी ले आया हूँ। मुन्नी भाई आ नहीं रहे, मुन्नी भाई नहीं आए? मुन्नी भाई उधर काम कर रहे हैं, कैमरा 24 घंटे ऑन रहता है। ओके हाँ, कैमरा भाई 24 घंटे ऑन रहता है हमारा। भाई सीमेंट वाले हाथ हो गए, सीमेंट वाले कपड़े हो गए, हालत हुई हुई है बुरी और सामान वगैरह बिखरा हुआ है। बस अभी जल्दी से शर्ट चेंज करूँ क्योंकि धूप है, हाथ काले ना हो जाए, फुली शर्ट लेता हूँ और निकलता हूँ गुजर खान। बस तो भाई शर्ट कर लिए चेंज और अभी चलते हैं गुजर खान। यार हूँ भाई वापसी आऊँ तो काम हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। ठीक है भाई, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुजर खान बाजार में और ये पीछे देख लो साथी की शॉप है। हम लोग पहले कलर जिससे लेके गए थे वो बहसबाजी कर रहा था, उससे हम लोगों ने कलर अभी वापसी करवाया है और उसने डिस्काउंट जो किया था वो पैसे भी काट लिए बड़ा भाई। तो अभी इन लोग से हम लोगों ने कलर डिसाइड किए हैं, ये कलर निकाल के देंगे और हसन भी आ रहा है मुझसे मिलने तो उससे भी मिल लूँगा। अबू लोगों ने सामान ले लिया है भाई, ये कलर चेंज हो रहा है। पहुँच गया हूँ अबू लोग को छोड़ के गुजर खान DC ऑफिस और हसन आया हुआ है यहाँ पे इस गाड़ी के पीछे छुपा हुआ है। आजा आजा मीट विद हसन। कैसे आप? वीडियो बना रहे हैं आप? हाँ यहाँ अलाउ नहीं है। हाय कर दिया, हाय अलाउ नहीं। देखो भाई गुजर खान बाजार में मौजूद हैं हम लोग और अभी हसन और मैं बाइक खड़ी कर दी है इसके कज़न की एजेंसी पे और अभी हम लोग जा रहे हैं मोबाइल मार्केट। यहाँ पे मोबाइल मार्केट जो है अंडरग्राउंड है, मार्केट भी दिखाता हूँ, अंडरग्राउंड है ना, हाँ ना, वो भी दिखाता हूँ और फिर वहाँ से मोबाइल के रेट्स भी ले लेंगे। भाई ये बाहर का रास्ता है और ये आ गया अपना अंडरग्राउंड मार्केट। वाओ भाई लेडीज़ का सामान भी। भाई ये देख सकते हो आप लोग गुजर खान की मार्केट मेन बाजार। भाई इतनी बड़ी मार्केट है, नीचे इतना बड़ा बाजार है लेकिन यहाँ पे आईफोन नहीं है तो आईफोन के लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा। भाई ये पूरी मार्केट देखो मोबाइल मार्केट है और यहाँ मार्केट टच करने से पहले जो है हमने टच किया है मोहित भाई को। मोहित भाई को जानते तो हो गए आप लोग। तो अभी जो है मोहित को मैंने बोला हुआ है, उसने भी शर्ट देखे तो फिर वहीं से लेना पड़ेगा, या मोहित लेके आएगा या फिर TCS वगैरह कर ले। मेरी थी चना चाट मंगा ली है, हसन नहीं खा रहा, क्यों नहीं खा रहा भाई? नाश्ता करके नाश्ता ये नाश्ता कर गया है, ये तो नहीं खा रहा, मैं तो खाऊं, ये थोड़ा सा चख लेगा और फिर इसके बाद जो है इसने जाना है कहाँ पे? चकवाल ये जाएगा चकवाल और मैं जाऊँगा खैर। तो भाई ये देखो हम लोग चाट खाने आए हुए, मुझे लगी हुई थी भूख और मंगवाया है एक ही, ऐसा नहीं खा रहा, क्यों नहीं खा रहा भाई? ये नाश्ता कर गया है इसलिए ये नहीं खा रहा और ये हमारा टेक टू है, इससे पहले हमने टेक वन लिया था जो हसन को पसंद नहीं आया। चाट खा के हम लोग आ गए हैं हसन के कज़न की एजेंसी के पास, यहाँ से ये जाएगा चकवाल और मैंने जाना है घर। सेकेंड टाइम मिला था, अब शायद ये फिर पता नहीं मिले नहीं मिले, कल शायद मैं इसके गाँव जाऊँ तो वो भी दिखाऊंगा। ठीक है ओके भाई अल्लाह। क्या देख सकते हैं, ये देखो यार अभी तक इन्होंने कोई काम नहीं किया है, ये देखो ये इनके लिए मैं नान शान ले आया हूँ और ये लोग कोई काम नहीं करते। ये देखो भर साहब का भाई खड़ा हुआ है, ये भाई आप देख सकते हैं ये बाबू भैया की तरह लगते हैं थोड़े, बोले बाबू राव का स्टाइल है, बोले उठा ले रे देवा
उठा ले रे बाबा, बोले ये मुन्नी भाई का स्टाइल है। हाँ ये मुन्नी भाई का स्टाइल है। ये देखें भाई, यहाँ से प्लास्टर बार बार गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? ऊपर मुर्गी है, ऊपर ऊपर मुर्गी है है। भाई इनका लॉजिक देख रहे हैं कि ये प्लास्टर गिर रहा है, बोल रहे हैं ऊपर छत पे मुर्गी हैं, उनका वजन है, बार बार गिर रहा है। वाह, आप देख सकते हैं, देख सकते हैं आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई सीन ये है कि ये जो दीवार देख रहे हैं आप बाहर से, ये प्लास्टर होनी है। मुन्नी भाई जो है कल छुट्टी कर रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है, तो वो बोल रहे थे छुट्टी करूँगा, तो उनको मैंने लालच दी है और कल छुट्टी मतलब ये फिर टोपियां दे रहे थे महीने बाद आते, तो ये अभी मरस्ते खा रहे हैं। खाने पीने के बड़े शौकीन हैं, तो इनको मैंने खाने की लालच दे दी है। मैंने बोला कल जो है मुर्गा है ना, इसको मैं ज़िबा कर देता हूँ। ये 2000 का मैंने लेकर आया हूँ, ये मुर्गा मैं लाया हूँ 2000 का। तो ये कुकड़ हम लोग कल ज़िबा कर देंगे। ये देखो बिहार भी कितनी है, 16 कल या आज? आज आज काली मुर्गी। भाई आप लोग बताओ, आप लोग की कितनी दिहाड़ी है एक दिन की? जितने भी जॉब वाले हैं, मैं जब जॉब करता था तो 500 से 600 मेरी जो है दिहाड़ी थी, इन भाई की है 1600। अभी देखो मरसे भी खा रहे हैं, मरसे भी खा रहे हैं, समोसे भी खाते हैं, तीन टाइम चाय है, खाना है। और देखो अभी फिर कल आएंगे ना, डील डन है? सही सही बताएंगे किस पे, मुर्गे के बारे में। चलो भाई मुर्गा पकड़ो, डन होगी है भाई, मुर्गी पकड़ेंगे और अभी ज़िबा करवा के ले आएंगे ताकि कल ये आ जाए। ये मुन्नी भाई की वजह से ये बेचारी ज़िबा होने जा रही है यार। हाय, आ जा भाई ले आ। हाँ सुन, ये इसके कातिल आप हैं, ठीक है? कोई मसला नहीं, कल खास हो कल खाएंगे भाई ये। अच्छा तो भाई चाचू वहीद की शॉप पे जा रहे थे हम लोग मुर्गी ज़िबा करवाने, लेकिन वो बंद थी, तो रास्ते में ये भाई हैं और ये अंकल हैं, इन्होंने हमें रोक लिया और कहा कि मुर्गी को हम लोग ज़िबा कर देते हैं। छुरी लेने गए हैं पूरी गारंटी के साथ, जो है मुर्गी को हम ज़िबा करेंगे। पढ़ाओ ये भाई, भाई हलाल करनी है। भाई आपका नाम? मोहम्मद सादव जी, कर दें बिस्मिल्लाह करें। चलो भाई फाइनली मुर्गी हो गई है ज़िबा, अभी चलते हैं घर और इसको कल पकाएंगे मुन्नी भाई के लिए। मुर्गी ज़िबा करवा के ले आए हम लोग और अबू साफ कर रहे हैं, ये खाली सिर्फ और सिर्फ मुन्नी भाई के लिए। मुन्नी भाई ने जो है अब्बू को वक्त में डाल दिया। मुर्गा जो है परेशान है, इसकी एक मुर्गी जो है ना बेचारी ज़िबा होगी, इस दुनिया में नहीं रही। अल्लाह को प्यारी नहीं, आपके पेट को प्यारी होगी। कल हो जाएगी, हाँ कल इंशाल्लाह। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। तो भाई मुन्नी भाई भी चले गए अपने घर और दूसरे वाले भाई भी चले गए अपने घर। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।